तो भाइयों मैं हूँ गैस गिलर आयुष और अभी मैं बैठा हूँ फोर्थ सिटी लाइन के अंदर। गाइस अगर आप 2024 के अंदर ना एक पैसेंजर व्हीकल देखना चाहते हो तो आपको ना फोर्थ सिटी लाइन मिल जाती है। आज के इस वीडियो में इस गाड़ी की सारी डिटेल्स में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं बैठा हूँ 9+D यानी कि 9 पैसेंजर एक ड्राइवर के साथ 10 सीटर हो जाती है। सो सारी बातें करने वाले हैं, कितने लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी हो जाती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, कैसा क्या कम्फर्ट रहने वाला है, उन सारी चीज़ों के बारे में बातें करने वाले हैं। तो अगर आप फोर्स की कोई सी भी गाड़ी लेना चाहते हो तो फोर्स शोरूम की जितनी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को। सो सबसे पहले ना इस गाड़ी की ना चाबी की बात कर लेते हो तो आपको ऐसी कोई बेसिक सी की मिल जाती है जिसके अंदर आपको फोर्स की पेंटिंग मिल जाती है, बाकी आपको कुछ भी ऐसा लिखा हुआ रहता है नहीं। आपको यहाँ पे दो चाबी मिल जाती है और ये हो जाती है अपनी फोर्स की सिटी लाइन। आप चेक कर सकते हो फ्रंट से कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है, एकदम लंबी सट गाड़ी मिल जाती है अगर आप देखो तो, कुछ इतनी लंबी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पर ना आपको सिटी लाइन लिखा हुआ आ जाता है, वह फोर्स की ब्रांडिंग होनी थी लेकिन यहाँ पर सिटी लाइन की ही ब्रांडिंग है। आपको क्रोम इंसर्ट कुछ ऐसे देके रखे, बिट 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 मैंने देके रखे हुए हैं क्योंकि कुछ इस तरह से हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ना 3M का यहाँ पर आपको अपना रेडियम देके रखा हुआ है गाड़ी ग्लो करने के लिए, कि अगर मान लो किसी को दिखे नहीं तो अलग से दिख जाए। यहाँ की तरफ आपको ना मिल जाता है इसका इंडिकेटर, साथ ही में आपको यहाँ पे हेडलाइट देके रखी हुई है, हाई लो बीम आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 3M मिल जाता है, साथ ही में इधर भी आपको कोई फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देके रखी है लेकिन कोई भी फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलता है। इधर आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, साथ ही में आपको यहाँ पर ग्रिल देके रखी हुई है जो कि बढ़िया हो जाती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की इंजन स्पेसिफिकेशंस की, कौन सा इंजन आपको उसके अंदर मिलता है, क्या पावर हो जाती है इस इंजन की। सो इस बूट को ओपन करते हैं। सो अगर मैं इसके हुड ओपन करने की मतलब कहाँ से ओपन होता है वो बताऊँ तो आपको ये लीवर देखे रखा है कुछ इस तरह से पुल होता है। अगर आप पहली बार देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ पे कुछ है भी, पर ये लीवर इसको पुल करो कुछ ऐसे आपका यहाँ पे बूट में आप जा सकते हैं कि जो हुड इसका हो जाता है, इंजन स्पेसिफिकेशन जो हो जाती है। सो यहाँ से इसके इंजन को खोलते हैं, यानी कि हुड को खोलते हैं तो ये बहुत हैवी सा आपको यहाँ पे हुड मिल जाता है। खैर बहुत यहाँ पर आपको इंसुलेशन वगैरह मिल के रखी हुई है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 2596 यानी कि 2600 CC का 2.6 FM 2.6 CR आपको यहाँ पे इंजन मिल जाता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करिए तो यहाँ पर आपको जो पावर मिलने वाली 90 BHP मिलने वाली है। माना 2600 CC का इंजन है लेकिन पावर आपको सिर्फ 90 BHP मिलने वाली है 250 NM टॉप के साथ। BS6 फेज 2 इंजन है तो आपको बढ़िया सा यहाँ पे इंजन मिल जाता है विथ एफिशिएंसी का ऐसा कि मुझे कुछ पता नहीं तो मेरे हिसाब से 12 13 14 15 भी देते तो बहुत बढ़िया हो जाती है, क्योंकि वेट और सारी चीज़ों को देखते हुए चले तो एफिशिएंसी इतनी दे देगी जो कि बढ़िया चीज़ होती है मेरे हिसाब से। सो ये बढ़िया हो जाता है। यहाँ पर आपको इंसुलेशन दे के रखा हुआ है। इस बोनट को बंद करते हैं तो कुछ इस तरह से बढ़िया तरीके से बंद हो जाता है। एक बार इसकी कीमत की बात करी है तो कीमत अभी है ना 16,50,000 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइस है, लेकिन अभी ना अच्छा खासा ऑफ चल रहा है तो आपको 50,000 रुपये एक शोरूम में कम हो जाएंगे, यानी 16,00,000 रुपये एक शोरूम में ही मिल जाएगी जो कि अच्छी बात है। सो साइड में आते हैं, साइड से आप गाड़ी चेक कर सकते हो, कुछ इस तरह से आपको बड़ी सी मिल जाती है 9+D यानी कि 10 सीटर हो जाती है। टायर स्पेसिफिकेशंस की बात करी है तो यहाँ पर जो आपको टायर मिल जाते हैं 215 175 R15 inches ही मिलते हैं। अगर आपको लगता है टायर बहुत छोटे हैं इस गाड़ी के तो आइए यहाँ की जो टॉल है ना आपको मतलब 15 इंच मिलते हैं, लेकिन ये बहुत टॉल हो जाता है उसकी वजह से आपको बड़े से टायर लगते हैं। आप पूरा अंडर टायर के चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से देके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको जो चीज़ मिल जाती है 191 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है जो कि अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर इसका आपको ORVM देके रखा है, आपको हाथ से एडजस्ट करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखा है, FM 2.6 CR आपको जो इसके इंजन की बैंडिंग मिल जाती है। और डोर हैंडल की बात करें तो आपको कुछ इस तरह से डोर हैंडल देके रखे हैं, आपको अनलॉक करना है तो इस बटन को दबाओ और ये है ना बहुत बढ़िया फील देने वाले, लॉक होते हैं तो मज़े भी आते हैं। यहाँ पर आपको चाबी इंसर्ट करने का देके रखा है और साथ ही में यहाँ पर आपको फुट स्टेप देके रखा है गाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए। अच्छी खासी गाड़ी यहाँ पे ऊँची आपको मिल जाती है, सेम एज वेल एज केस आपको इधर भी मिल जाता है। अब आते हैं इधर साइड में तो आपको साइड में कुछ इस तरह से विंडो मिल जाती है। विंडो की खासियत ये है कि विंडो ना आपकी यहाँ से खुल भी जाती है, आपको अगर हवा चाहिए और अंदर का देखना देखना है तो आपको अच्छे से दिख जाता है और सेम टू सेम आपका ऐसा इधर से भी हो जाता है। अभी अंदर से बंद है तो कर नहीं रहा, बाकी हाँ ये बढ़िया चीज़ इसके अंदर होती है। और साथ ही में यहाँ पे आपको सिटी लाइन की ब्रांडिंग मिल जाती है और इधर की तरफ आपको ना की इंसर्ट करके ना यहाँ से आप अपना फ्यूल डाल सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 63 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी हो जाती है जिसके अंदर आप 63 लीटर डीजल डाल सकते हैं। DEF भी आता है तो DEF डालने का काम है वो भी बताता हूँ। और रियर व्हील भी आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। अब चलते पीछे की तरफ, पीछे क्या क्या चीज़ आपको इस कार के अंदर देखने को मिलती है यानी कि सिटी लाइन के अंदर देखने को मिलती है तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाती है सिटी लाइन। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर आपको फोर्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, इसके जो टायर है और साथ ही आपको यहाँ पे सिटी लाइन की ब्रांडिंग मिल जाती है। सिटी लाइन लिखा हुआ आपको यहाँ पर भी मिल जाता है,
BS6 फेज टू वाली आपको हो जाती है। टेल लाइट सेटअप की बात करी आवे तो यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट, इंडिकेटर और रिवर्स लाइट देके रखी हुई है। चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं जो कि बढ़िया चीज़ है। टाटा ऐसी कंपनी है, चार रिवर्स पार्किंग सेंसर नहीं देती। टाटा व्हाट आर यू डूइंग। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, यानी 3 mm के आपको यहाँ पे रेडियम लगे हुए मिल जाते हैं। और यहाँ की तरफ आपको रिफ्लेक्टर देके रखे हुए हैं। आपको ना नीचे की तरफ कोई भी एग्जॉस्ट टिप नहीं मिलती, एग्जॉस्ट टिप कहीं और देके रखी हुई है। लेकिन कुछ ये हो जाते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी डिफॉगर वगैरह खैर इसमें जरूरत है नहीं। फोर्स की बेंडिंग यहाँ से आप अनलॉक वगैरह कर सकते हो और उसके बूट में एक्सेस करें तो बूट का दरवाज़ा कुछ इस तरह से खुलता है। और स्पेस की बात करें तो ऐसे कोई खास आपको स्पेस मिलती है नहीं। पैसेंजर व्हीकल है तो आपको अगर सामान रखना है तो अपनी छत पे आप कैरियर लगाओ, कैरियर के अंदर खूब सारा सामान आ सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। इसकी सीट को आप फोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको दरवाज़ा खोलने के लिए देके रखा है, इसको बंद करने के लिए। और आपको हैवी सा मिल जाता है। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का भी सिस्टम देके रखा है जो कि बढ़िया चीज़ है। अब आते हैं इसकी साइड में, इधर की तरफ जो आपको बता रहा था मैं, जो कि DEF डलता है। सो यहाँ पर भी ना आपको फ्यूल लीड देके रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्यों देके रखा है, क्योंकि यहाँ पर ना आपका DEF डलेगा। स्कॉर्पियन वाली चीज़ें यहाँ पर भी हो रही है। अगर कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 20 लीटर का AdBlue यानी कि DEF डलेगा। DEF ऑब्लिगम डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। अब ये हो जाता है, इसको बंद करते हैं। सो ये यहाँ पर आपको हो जाता है। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं, कैसा क्या कंफर्ट है आपको बताऊँ, किसी सीटिंग है, कैसे अंदर जाना है आप देख चेक कर सकते हो। यहाँ तक आपकी मिल जाती है सीटिंग, तो उसके अंदर कैसे आना है मैं बताता हूँ आपको। सो अब इस गाड़ी के अंदर बैठते सबसे पहले ना फ्रंट रो की बात कर लेते हैं। फ्रंट रो में कैसा कंफर्ट मिल जाता है, डोर वगैरह खुलते हैं। यहाँ पे आप ग्रैब हैंडल देके रखा है तो चढ़ो तो आपको मज़ा आता है। और यहाँ पर जो लीड है ना वो थोड़ी सी ऊपर उठा के रखी तो आपका थोड़ा सा पैर वैर ऐसा टकरा सकता है, लेकिन आप बैठते हो तो ये देखो क्या कंफर्ट मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर। मतलब ना इतना अपराइट बैठे हो कि बता नहीं सकता मैं, सारी चीज़ आपको क्लियर है। अगर यहाँ पर एक मक्खी भी आ जाए ना आपके बोनट पर आपको दिख जाए, इतना यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से बोनट व्यू मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलता, आपको ग्रैब हैंडल से इधर की तरफ देखे रखा है। थोड़ा सा ग्रैब हैंडल इधर होना था ना, तो उसकी वजह से ना जो मतलब आप बैठते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता, वैसे तो बैठने से रहे तो ये एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर मुझे कमी लगी। खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं इसकी रियर सीट में। रियर सीट में कैसा क्या कंफर्ट मिलता है, तो ये इसकी रियर सीट हो जाती है। रियर सीट को टंबल कैसे करना है, तो यहाँ पर ना आपको उसका मैकेनिज्म देके रखा है। बस इसको आप ऐसे पुल करो और ये कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाती है और यहाँ पे इसको पुल करो तो ये है ना सीट कुछ इस तरह से चली जाती है पीछे की तरफ। अब इसके अंदर बैठते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देके रखा हुआ ही है। घुसो आप गाड़ी के अंदर। सो जो कंफर्ट आपको इस कार के अंदर मिल रहा है, यानी कि यहाँ से भी ना आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है। जो व्यूइंग एंगल रहता है बढ़िया सा मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है, बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये चीज़ चेक करो आप, यहाँ से ना ग्लास खोल के देख सकते हो बाहर कि कैसी क्या चीज़ है, कैसा क्या नज़ारा है, तो आप उस तरह से घूम भी सकते हो, तो ये अच्छा हो जाता है। आगे हाँ वॉशर आपको अच्छा खासा मिलता है, ये अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं इसके रियर रो में, ये थर्ड रो हो जाती है, लास्ट रो में चलते हैं यानी कि फोर्थ रो में, कैसा कंफर्ट वहाँ पे मिलता है। सो यहाँ से जाना आपके लिए बहुत ईजी है इस गली के थ्रू। और अगर आप बीच में बैठना चाहते हो, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप आराम से ऐसे पसर के जा सकते हो, लंबे लंबे वेट उठा के आ ऐसे सीनरी वगैरह देखते हुए, ये बढ़िया हो जाता है। और अगर आपकी हाइट कम है लेकिन आपको फंसा दिया कि भैया इधर बैठना है आपको, सो यहाँ पर भी जो कंफर्ट मिल रहा है ना, कंफर्ट अच्छा खासा मिल जाता है। मतलब ऐसा है नहीं कि यहाँ पे लेग रूम नहीं है, लेग रूम अच्छा खासा है। अगर आपकी ज़्यादा हाइट है तो बीच में बैठो, और अगर लेग रूम की बात करें मेरी इसी हाइट वाला तो एकदम कंफर्टेबली बैठ सकता है। और फिर यहीं से आप इसके विंडो खोल सकते हो, आप बाहर अपने गर्दन दिखा के देख सकते हो सीनरी वगैरह, ये बढ़िया। एक बार बताऊँ आपको कैसे, तो कुछ इस तरह से आप अपनी गर्दन बाहर करके देख सकते हो, ओहो मनाली में आ गए। कुछ इस तरह से आप सीनरी वगैरह एंजॉय कर सकते हो। और आपको हवा हवा चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए तो वो भी ले सकते हो, ये हो जाता है। और ग्रैब हैंडल भी आपको यहाँ पे देके रखा है, अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर आपको ना यहाँ पर लाइट देके रखी हुई है अपने हिसाब के लिए। और यहाँ पे आपको अगर मैं चार्जिंग पोर्ट की बात करूँ तो आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाते हैं, जो कि तो यहाँ पर ना आपको चार्जिंग पोर्ट भी देके रखा है, एक 1 ampere का, एक 2 ampere का, तो वो भी यहाँ पे अच्छी चीज़ सोच के रखी हुई है फोर्स के अंदर। और हाँ एक और चीज़ है ना कि इसकी जो सेकेंड रो है उसके अंदर ना आपको जो मिल जाता है वो है यहाँ पर आपके AC वेंट्स। यहाँ पे आपको AC वेंट्स देके रखे हुए हैं तो आप यहाँ से इनको ऑन ऑफ भी कर सकते हो, और यहाँ की तरफ आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। पीछे कोई भी आपको रियर AC वेंट्स नहीं मिलते, लेकिन हाँ यहीं से आपकी हवा पीछे तक चली जाती है जो कि अच्छा है। अब इस गाड़ी के अंदर चलते हैं, आपको चाबी मैंने जैसे बताई थी। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलिंग का बटन मिल जाता है, अपनी हेडलाइट को आप लेवल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सीलेटर ब्रेक क्लच मिल जाता है, कोई भी रेड पेडल इस गाड़ी के अंदर मिलता नहीं। यहाँ से आप चाबी वगैरह इंसर्ट करो और यहाँ पे आप अपनी रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल आपको मिलती है नहीं, ज़रूरत भी है नहीं। अब इस गाड़ी के अंदर ऐसे बैठते हैं, सो दरवाज़ा लगाते हैं, खचाक
यहाँ पर आपको ना फोर्स का, यहाँ पर आपको फोर्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, हॉर्न वगैरह, और यहाँ पर आपको वाइपर वगैरह की चीज़ें मिल जाती है, और हेडलाइट और इंडिकेटर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। एसी वेंट्स आपको यहाँ पर देके रखे, ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर ना आपको DEF का यहाँ पर डिस्प्ले देके रखी है कि आपकी यूरिया कितनी है। सो ये यहाँ पर करके रखा है, कोई भी इंफोटेनमेंट वगैरह नहीं मिलता, यानी कि आपको जो संगीत सुनने के लिए कुछ भी चीज़ आपको बाहर से लगाना पड़ेगा। एसी वेंट्स आपको यहाँ पर भी देके रखे हुए हैं। और IRBM की बात करें, ना आपको जो IRBM मिलता है वो मैनुअल डे एंड नाइट आपको मिल जाता है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बस ये चीज़ है कि थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड है, और यहाँ आपको टिकट होल्डर मिल जाता है बड़ा सा, यहाँ पर ना आपको इसका टिकट होल्डर मिलता है, और इधर की तरफ भी आपको सेम टू सेम मिल जाता है, लेकिन कोई भी टिकट होल्डर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट का बटन देके रखा हुआ है, PF का करके रखा है, यहाँ पे देके रखा हुआ है जो कि रीजन के लिए होता है। और यहाँ पर आपको ना AC के आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको ऊपर नीचे हवा कहाँ चाहिए, और यहाँ से आप AC ठंडा कितना चाहिए, आपको गर्मी चाहिए वो चेक कर सकते हो। यहाँ से आप अंदर की हवा कर सकते हो, AC मिनिमम, AC मैक्स ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट का सॉकेट देके रखा है, एक 1 एम्पियर, एक 12, एक 2.1 एम्पियर का देके रखा हुआ है। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल जाता है जो कि नज हो जाता है इस गाड़ी के अंदर। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन आपको मिल के रखा हुआ है। बात करिए कैसा है, तो देखो ऐसा कुछ हार्ड वार्ड है नहीं, मतलब इतना हार्ड नहीं कंपेयर करो तो किसी और से, लेकिन हाँ आपको ऐसे गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, अपने अंगूठे से उंगली से भी कर सकते हो गियर चेंज, जो कि अच्छा है। और यहाँ पर इसका हैंडब्रेक मिल जाता है, साथ ही आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है इधर की तरफ। चारों पार विंडो के कंट्रोल्स आपको यहीं पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है जो कि अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर आपको फोर्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, साथ ही में ग्लोव बॉक्स की बात करें तो डुअल ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पर देके रखा हुआ है, एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा आपको कुछ इस तरह से देके रखा हुआ है। सो यहाँ पर भी ना आपको लाइट मिल जाती है, यानी कि कैबिन लाइट यहाँ पे देके रखी हुई है। तो यही था ऑल न्यू 2024 वाली फोर्स सिटी लाइन का वॉक अराउंड, सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने, प्राइसिंग वगैरह अगर आप देखते चल रहे हो ना, तो इंदौर के अंदर ही 18 लाख रुपए समथिंग कुछ मिल जाती है, और शोरूम एक शोरूम जो कीमत है वो 16 लाख रुपए हो जाती है। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी एक्सपीरियंस में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस किलर आयुष को। धन्यवाद।